13 तालाबों का अस्तित्व खत्म कर दिया अतिक्रमणकारियों ने। 18 तालाब में से सिर्फ बचे 4। केंद्र ने एटलस में शामिल किए थे तालाब। गुर्जर ताल की 21 बीघा जमीन पर भूमाफियाओं ने काट दी कॉलोनी। सुकड़ते जा रहे हैं शिवपुरी के तालाब। आज हम खड़े हैं मनियर तालाब पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से मनियर तालाब में खेती शुरू हो चुकी है। आज शिवपुरी के सबसे बड़े तालाबों में शुमार मनियर तालाब। लेकिन अकेली इस तालाब की स्थिति ऐसी नहीं है। शिवपुरी, जो एक समय तालाबों की नगरी कहा जाता था, शिवपुरी में 13 से 14 तालाब हुआ करते थे एक जमाने में, जिनमें से आज के समय में अगर बात करें तो सिर्फ 1 या 2 तालाब या 3 तालाब ही जीवित हैं। बाकी तालाब आखिर शिवपुरी से कहां चले गए? धरातल पर आज भी अगर सन 1950 के नक्शे निकाल कर देखे जाएंगे तो शिवपुरी में 13 से 14 तालाब हुआ करते थे, जो बड़ी संख्या में तालाब थे जिनमें पानी था और सभी चीजें मौजूद थी। लेकिन अगर आज की परिस्थितियों की बात करें हम, तो आज परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हैं। जैसे आप मेरे पीछे मनियर तालाब में देख रहे हैं कि किस तरीके से खेती हो रही है, इसी तरीके से अगर आप जाएंगे विष्णु मंदिर के पीछे तो वहां तो आपको तालाब का ताव ही नहीं मिलेगा। आखिर भूमाफियाओं के आगे काय को किस लिए प्रशासन झुका जा रहा है? प्रशासन नमस्तक है इन भूमाफियाओं के आगे। उस तालाब के ऊपर अगर आप जाएंगे तो वहां पर पूर्णतः रूप से कब्जा करके मकान बना लिए गए हैं। कहीं ना कहीं इन मकानों को बनाने के पीछे किसी ना किसी बड़े भूमाफियाओं का हाथ है। आखिर प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? क्यों प्रशासन बौना बना हुआ है? अब क्या इस मनियर तालाब को भी घेर कर पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा? तैयारी तो लगभग यही दिख रही है। देखते हैं प्रशासन कार्रवाई करता है या नहीं। शिवपुरी अंचल के तालाब अतिक्रमण में डूब गए हैं। हालात ये है कि तकरीबन आधे से ज्यादा तालाब दम तोड़ चुके हैं। जो तालाब बच गए हैं उनमें पानी घटता जा रहा है और कब्जा बढ़ता जा रहा है। यही हाल रहा तो आने वाले दशक में शिवपुरी सहित अंचल के बचे हुए तालाबों में से आधे से ज्यादा का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और हैरानी इस बात की है कि तालाबों के सौंदर्यीकरण के लिए योजनाएं तो बन रही हैं, लेकिन उनको अतिक्रमण मुक्त कराने के प्रयास सिर्फ दिखावा है। शिवपुरी में तालाब अतिक्रमण के कारण सिकुड़ चुके हैं और जितना हिस्सा बचा है वो गंदगी की चपेट में है। जैसे जैसे गंदगी इसको लीलती जाएगी, भूमाफियाओं के लिए जगह खाली होती जाएगी। रियासत काल में शिवपुरी शहर में 18 तालाब हुआ करते थे, लेकिन पिछले 6 दशक में यहाँ तालाब के कैचमेंट एरिया में कब्जा करने का सिलसिला ऐसा चला कि 13 तालाबों का अस्तित्व ही खत्म हो गया। मनियर तालाब अतिक्रमण की चपेट में है, ये भी खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है। शहर के गुर्जर ताल की 21 बीघा जमीन पर भूमाफियाओं ने कॉलोनी काट दी और सबसे ज्यादा प्लॉट खरीदने वालों में राजस्व विभाग के RI और पटवारी शामिल थे। यहाँ बता दें कि वर्ष 2005 में प्रकरण क्रमांक 2708 में फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट की ग्वालियर 2 सदस्यीय ज्यूरी ने तत्कालीन शिवपुरी कलेक्टर को आदेश दिए थे कि शिवपुरी के तालाबों पर यथास्थिति बरकरार रखी जाए। बावजूद इसके सारे के सारे तालाब भूमाफियाओं के कब्जे में चले गए। 2005 से लेकर 2014 तक जिले में बैठे लगभग सारे कलेक्टरों ने इस संबंध में बारी बारी से पत्राचार कर कार्रवाई करने के प्रयास भी किए, लेकिन नतीजा सिफर रहा। तालाब पर जब अतिक्रमण कर प्लॉट काटे जा रहे थे, उस समय सबसे ज्यादा तहसीलदार, RI, पटवारियों ने प्लॉट खरीदे, जिसमें उस समय के राजस्व विभाग के अरविंद कुमार RI, पहलवान सिंह पटवारी, रामकली चौधरी, इन्हीं एक पूर्व तहसीलदार ने तालाब की जमीन से प्लॉट खरीद कर बेचा। नंदकिशोर RI, गजानंद RI, संतोष RI, जगदीश प्रसाद RI, रघुवीर पटवारी, ब्रजभूषण RI, सरनाम RI और सवाईलाल पटवारी गुर्जर ताल की सरकारी जमीन के मालिक बन बैठे थे। केंद्र सरकार ने 19 फरवरी 2009 को शहर के गुर्जर ताल, जाधव सागर, चांद पाटा और माधव लेक को लेक एटलस में शामिल किया था, लेकिन सरकारी मशीनरी अब तक इन तालाबों को कब्जे से मुक्त नहीं करा पाई है। शहर की कुल आबादी 2.5 लाख के ऊपर हो गई है। शहर में 1000 फीट की गहराई तक डाउन वाटर चला गया है। इसी शहर में पानी की समस्या इतनी जटिल है कि लोग सर्दियों में भी रात रात भर पानी भर रहे हैं। यदि 18 तालाब कब्जे के शिकार ना हुए होते तो स्थितियां अलग होती। विष्णु मंदिर के पीछे का तालाब, टूरिस्ट वेलकम सेंटर के पीछे का तालाब, मनियर तालाब, कृष्णपुरम कॉलोनी, मनियर महल के पीछे, काली माता के सामने और एक पीछे सर्किट हाउस के पीछे, फतेहपुर में छोटा और बड़ा दोनों तालाब, सोनचरैया के पीछे,
गुर्जरताल माधव लेक चौकसी की धर्मशाला के पीछे हवाई पट्टी के पास श्रीराम कॉलोनी तालाब और जाधव सागर तालाब कब्जों के शिकार हुए हैं।